अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अवैस शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वैली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से तैयार किए हैं और ये पूरी सीरीज जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस की मैंने तैयार की हुई है। ये आप पूरी प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं, वीडियो के एंड पे इसका लिंक आपकी वीडियो के ऊपर ही शो हो जाएगा जो कि आप देख सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाजमी बात करना चाहूँगा, वो बात यह है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है लिखने का तरीका ये होगा कि आपने सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन लिखना है और साफ सुथरा लिखना है, बस हेडिंग्स दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्ट्रक्चर बनाएं, ज़्यादा आपने जो है डिज़ाइनिंग की कोशिश नहीं करनी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। पेपर की प्रेजेंटेशन में गलतियाँ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जा देते हैं, बनिस्बत यह है कि वो क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए बात करें। दूसरा, जितने भी डिफरेंस है बेटा वो दरमियान में लाइन लगा के लिखें। आप स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर अगर आपका डिफरेंस में पूछा है तो आप लाइन लगा के बना सकते हैं, वरना स्ट्रक्चर के ऊपर हेडिंग दें कि यह मैं इस चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और नीचे ऊपर आप स्ट्रक्चर बना दें या नीचे स्ट्रक्चर बना दें। तीसरी बात यह है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन का नाम लिखें, नीचे एग्जाम्पल या रिएक्शन या फिर अगर उसका स्ट्रक्चर मौजूद है तो आप लाजमी बनाएं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे हर किस्म के गेस्ट पेपर और प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। क्लास 12 फिजिक्स के गेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीएस के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 8 या 10 मैंने बनाए हैं इस साल। उनके अलावा मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको उसके बाहर से नहीं आएगा, आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से ही वो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और वही क्वेश्चन जो है वो हर साल रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एंथ्रीन एंड एंथ्रासीन, डिफाइन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन विद एग्जांपल। तीन रिएक्शन आपने बताने हैं जिसके अंदर बेंजीन अनसेचुरेटेड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है। इसके बाद राइट नेम एंड पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमो बेंजीन। आपने ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन के तीन स्ट्रक्चर बनाने हैं और उसके नीचे नाम लिखने हैं आपने। इसके बाद है राइट जनरल मैकेनिज्म फॉर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इन विच इट इज अनसेचुरेटेड। राइट द फार्मूला ऑफ टू कंपाउंड, इसके आपने एनालिन और बायोफिनाइल के आपने फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपने लिखने हैं। कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिखा हुआ है, वो सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर लिखा था। इस क्वेश्चन के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप कोशिश करें कि मैकेनिज्म को लाजमी जो है वो डिस्कस करें। अगर आप मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो मैकेनिज्म को तवज्जो नहीं देते तो मैंने लिख दिया। व्हाट आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, गिव टू एग्जांपल्स। राइट डाउन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपको पता है बेंजीन के दो स्ट्रक्चर जो थे वो इनिशियली आए थे, एक पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर था लेकिन आपने रेजोनेंस एनर्जी के हवाले से बताना है। व्हाट इज वुड स्पिटिंग रिएक्शन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 9 में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। गिव द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हाउ एसाइलेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस, गिव इट्स मैकेनिज्म। व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन इन सनलाइट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद H2SO4 एट 250 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के हवाले से मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि मैंने आपके जो कन्वर्जन्स हैं पूरी केमिस्ट्री की उसके हवाले से मैंने सिर्फ 8 या 10 पॉइंट बनाए हैं। अगर आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताते हैं कि अगर आपको उन 8 या 10 पॉइंट की जरूरत है जिसके हवाले से तकरीबन 90% आपकी कन्वर्जन्स हो जाएंगी, 100% गारंटी है कि उससे 90% कन्वर्जन्स हो जाएंगी, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा क्वेश्चन है, हाउ प्रूव दैट बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन इनटू टू स्टेप्स, एम क्लोरो नाइट्रो बेंजीन एंड पी क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। व्हाट इज फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। और स्टूडेंट ये दोनों मैकेनिज्म जो इसके हैं, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन,
लॉन्ग के लिए हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन पेपर एंड एयर पास आर पास ओवर हीटेड वेंडियम पेंटाऑक्साइड ओवर वेंडियम पेंटाऑक्साइड राइट द डिफेक्टिंग की कुल फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट ये कोई 24 क्वेश्चन जो है बहुत कम मैंने कोशिश की है कि ये बनाऊं और ये मैंने निकाले। अगर आपको ये नोट्स हमारे हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको ये नोट्स 50 रुपीज के मिल जाएंगे, यानी कि पूरे बुक के जो है वो 50 रुपीज के अंदर मिल सकते हैं। आपने जो है भेजने का खर्चा यानी कि आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। पूरी बुक के नोट्स आपको हार्ड फॉर्म में 50 रुपीज के मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।